हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जायका विद जैनब तो आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट बोरा थाल की रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें एक खारास होगी एक मिठास होगा और एक मेन कोर्स होगा ये एक कंप्लीट थाल की रेसिपी है तो आप इसे एंड तक वॉच करिए और मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरा ये थाल का सीरीज कैसा लगा मटन चॉप्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले मटन चॉप्स को बॉईल करना होगा तो कुकर में मैंने आधा किलो मटन चाप ली है इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है एक प्याज ली है छोटी प्याज है इसे रफली चॉप कर ले इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधा ही कप यहाँ पे पानी डालेंगे पानी ज़्यादा नहीं ना डालें और अब कुकर का ढक्कन बंद करके इसकी हम पहले हाई फ्लेम पर एक सीटी ले लेंगे फिर फ्लेम को लो कर देंगे और आराम से दस मिनट तक पकने देंगे तब तक मैरिनेशन का मसाला रेडी कर लेते हैं तो थ्री फोर्थ कप मैंने कर्ड कर लिया है दही लिया है कोशिश करें कि जाड़ा दही ले पतला दही ना ले दो चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ मैं आप यहाँ पे चावल का आटा बेसन भी यूज कर सकते हैं बेसिकली हमें बाइंडिंग करनी है उसके लिए ये यूज करना है आधा नींबू स्क्वीज करेंगे नींबू से बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है कुछ मसाले डालने हैं तो वो देख लेते हैं तो यहाँ पे मैंने दो चम्मच कोरिएंडर पाउडर लिया है, धनिया पाउडर आधा चम्मच हल्दी एक चम्मच जीरा आधा चम्मच नमक एक चम्मच कुटी हुई मिर्चे पेपरिका पाउडर वन टीस्पून चाट मसाला एक चम्मच कसूरी मेथी एक चम्मच नमक और लाल मिर्ची अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं तो ये गए सारे मसाले हमारे दही के अंदर यहाँ पर मैं फूड कलर का भी यूज़ कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे रेड फूड कलर यूज़ किया है एक से दो ड्रॉप्स डाले हैं ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं लेकिन इससे कलर अच्छा आता है अच्छे से हम सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे तो ये देखिए अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है आपका बैटर थोड़ा एक दो चम्मच पानी डाल सकते हैं आप हमारा कुकर देख लेते हैं यहाँ पर तो ये देखिए इसमें थोड़ा पानी बाकी है तो हम हाई फ्लेम पर इसे पहले पका लेंगे और पानी को पूरा ड्राई कर लेंगे हमें पानी ज़रा भी नहीं चाहिए हमारे मैरिनेशन के लिए तो यहाँ पे अब हमारे जो मैरिनेशन हुआ है इसके अंदर हमारे चाप को डालेंगे हम एक एक करके और अच्छी तरह से जो मसाला हमने बनाया है उसको कोट कर देंगे हमारे चाप के ऊपर तो आप अपने हाथों से इसे अच्छी तरह से मसल के मैरिनेट कर ले तो ये देखिए आप कितनी अच्छी तरह से ये कोटिंग हो गई है अब इसे मैं कवर कर रही हूँ कवर करके इसे हम मैरिनेट होने देंगे ट्वेंटी मिनट्स के लिए मिनिमम तब तक हमारा तेल गरम करने रख देते हैं हमें मीडियम तेल गरम करना है ज़्यादा हॉट भी नहीं करना है और ज़्यादा कम गरम भी नहीं करना है और एक एक करके बीस मिनट बाद एक, एक करके हम सारे हमारे मटन चॉप्स हमारे तेल में डाल देंगे आपको उतने ही चॉप्स डालने हैं एक साथ में जितना आपके पैन में जगह हो ऐसा ना हो जाए कि फिर आप पलटने में आपको प्रॉब्लम हो और फिर वो बराबर से फ्राई ना हो दो से तीन मिनट तक ही हमें इसे पकाना है ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है चॉप तो हमारी ऑलरेडी बॉइलिंग के टाइम पक चुकी थी हमें सिर्फ इसे अच्छा सा गोल्डन कलर देना है तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा गोल्डन कलर आ गया है तो दोनों साइड से मैंने दो से तीन मिनट तक पकने के बाद बहुत अच्छे से हमारा कलर भी आ गया है फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे और एक सर्विंग डिश में सर्व कर लेंगे एकदम क्रिस्पी एकदम आसान तरीके से टेस्टी चाप बनकर तैयार है ये देखिए ये बहुत ही डिलीशियस है बहुत ही जायकेदार है और बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुई है आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा आई होप आपको ये चाप की रेसिपी पसंद आई होगी तो चलिए हमारी खारास की रेसिपी बिल्कुल तैयार है अब हम चलते हैं मिठास की तरफ तो मिठास में खोपरा पाक से बढ़ और खोपरा पाक से अच्छी और क्या मिठाई हो सकती है तो आज मैं आपको खोपरा पाक बनाने का एक बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी ये देखिए इसी तरह के पीसेस आप आराम से निकाल सकते हैं इसमें बनाने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं लगेगी बहुत आराम से और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आसानी के साथ हम ये बना के तैयार कर लेंगे इसे आप एक रात पहले भी बना सकते हैं कई सारे फेस्टिवल्स में बनाना पसंद करते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कप शुगर लेना है एक पैन में ले लें आप और इसमें आधा कप पानी डालना है एक कप शुगर और आधा कप पानी फ्लेम हमारी हम मीडियम रखेंगे और जो शुगर है हमारी जो शक्कर है उसे हम मिलाते हुए डिजोल्व कर देंगे तो हमें मीडियम फ्लेम पर हमारी जो शक्कर है उसे डिजोल्व करना है ठीक इसी तरह से थोड़ा सा हल्का बॉयल आने लगा है तो हम इसमें डालेंगे वन फोर्थ टीस्पून स्पून इलायची पाउडर इससे जो खुशबू है वो तो बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी लाजवाब 200 ग्राम मावा लेंगे ये होममेड मावा है मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है और आई बटन में भी है आप देख सकते हैं तो हमने यहाँ पे 200 ग्राम मावा डाला है मावा को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं और जो खोया है हमारा जो मावा है उसे हमें कंप्लीटली डिजोल्व कर देना है तो ये जो सारे टुकड़े दिख रहे हैं आपको जितने भी लम्स दिख रहे हैं वो सब हमें डिजोल्व कर देने हैं मीडियम फ्लेम पर रखेंगे आप देख सकते हैं एक बॉइल भी आ गया है और हमारे काफ़ी हद तक जो लम्ब्स है वो डिजोल्व हो गए हैं अब हम इसमें डालेंगे दो से तीन चम्मच असली घी असली घी से बहुत अच्छा फ्लेवर एनहांस हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार होता है मीडियम फ्लेम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम हर चीज़ को मिक्स कर देंगे तो आप देख सकते हैं दो से तीन मिनट के बाद ऐसे तरी सी आने लग गई है तो हम इसे फ्लेम से हटा देंगे और हमारा गैस ऑफ कर देंगे अब यहाँ पे मैं दो कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ जो नारियल का बुरादा आता है वो हम डालेंगे दो कप मिक्स कर देंगे इसे और इसे आपको ग्रेजुअली डालना है मतलब स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा करके डालिए तो आपको मिलाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी दो कप हमने यहाँ पे कोकोनट पाउडर डाला है ये मिला दी हमने अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप रवा रवा से जो हमारी कोकोनट बर्फी है वो बहुत दानेदार बनके तैयार होती है इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ठीक इसी तरह से ये काफी अच्छी तरह से हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं मिक्स हो गए हैं और कुछ भी ऐसे ऊपर से दिख नहीं रहा है तो दैट्स इट बिल्कुल हमारा जो नारियल पाक है वो रेडी है अब इसे हम सेट करने रखते हैं तो सेट करने के लिए मैंने एक पैन लिया है आप चाहे तो कोई थाली ले ले कोई ट्रे ले ले स्क्वायर रेक्टेंगल राउंड कोई भी आप शेप ले सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था तो मैंने एक सिंपल सा पैन लिया है उस उसे मैंने असली इसे से ग्रीस कर दिया है और ग्रीस करके ये जो हमारा मिक्सचर जो मिश्रण हमने बना के तैयार किया है वो डाल देंगे और ऐसे एक कटोरी के हेल्प से जो बेस होता है कटोरी का उसकी हेल्प से हम इसे प्लेन करेंगे और इसे पूरा स्मूद आउट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे स्मूथ आउट कर दिया है और काफी अच्छी मोटी लेयर मैंने रखी है लास्ट में हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करेंगे मैं यहाँ पे ओनली बादाम यूज कर रही हूँ आप चाहे तो पिस्ता भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे सैफरन के थोड़े स्ट्रैंड्स भी डाल सकते हैं केसर डाल सकते हैं एंड ये देखिए बिल्कुल तैयार है ये तो जो ड्राई फ्रूट्स हमारे ऊपर से मैंने डाले हैं उन्हें भी हम प्रेस कर देंगे हाथों की हेल्प से ताकि जो हमारा खोपरा पाक है उसके अंदर हमारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी अच्छे से सेट से हो जाए ये देखिए अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा हल रहा है हिल रहा है बिल्कुल भी ये सेट नहीं है लेकिन ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा लेकिन उसके पहले हमें इसके अंदर कट्स लगा देने हैं तो यहाँ पे आप ऐसे स्क्वायर शेप में काट दे या रेक्टेंगल शेप में काट दे आपको बेसिकली जो बर्फी है जो पाक है उसका आपको जो शेप देना है उस शेप में आप इसे विजिबल कट्स करके रख दे ये गर्म ही अगर आप इसे कट करके रखेंगे तो जब ये सेट हो जाएगा तो इजीली ये पीसेस जो है जो टुकड़े हैं बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मैंने मोटा मोटा स्क्वायर शेप में इसे कट कर दिया है ये देखिए इसका एक क्लोजअप लुक देख लीजिए आप ये बहुत ही शानदार बनी है ये बहुत टेम्पटिंग तो दिखने में लग रही है और खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है पांच घंटे मैंने इसे सेट करने रख दिया था आप चाहे तो इसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं ओवरनाइट के लिए लेकिन पांच घंटे मुझे लगा सफिशियंट है ये देखिए बिल्कुल सेट है मैं आपको इसे इसके पीसेस निकाल के भी दिखा देती हूँ एक फ्लैट सा आपको इस पैचुला ले लें और उसकी हेल्प से इसे निकाले तो मैं पर्पसली आपको सेंटर वाला पीस निकाल के दिखा रही हूं ताकि आपको समझ आए कि ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है तो ये देखिए और एक पीस मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ये बहुत अच्छी तरह से सेट हुई है और ये देखिए बिल्कुल शानदार और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था कोकोनट जो हमारे मुंह में खा आ रहे थे वो बहुत डिलीशियस लग रहे थे फ्रेंड्स आप इसे बिल्कुल ट्राई करिए और आपके कमेंट्स मुझे जरूर शेयर करिएगा चलिए तो चलिए खरास और मिठास तो हमारी बन गई है अब बनाते हैं मेन कोर्स मेन कोर्स के अंदर मैं बना रही हूँ खुरदी खिचड़ी यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन आधा किलो जितना मटन लिया है विथ बोन्स है ये इसमें नली भी है हड्डियाँ भी है सब चीज़ें जो होती हैं वो सब हमने इसमें दलवाई है साथ में मैं दो कप पानी डाल रही हूँ तो सबसे पहले हमें इसकी यखनी बनानी होगी बहुत बेसिक सिंपल मसालों के साथ हम बनाएंगे तो यहाँ पे वन एंड हाफ टेबल स्पून मैं अदरक और लहसन का पेस्ट डाल रही हूँ अच्छे से इसे मिला देंगे गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें अब हम सिर्फ दो चीज़ एक्स्ट्रा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम पकाएंगे तो सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे हरी मिर्चें तीन से चार मैंने हरी मिर्चें ली है इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है टेस्ट आता है वन टी नमक लेंगे एंड दैट्स इट अब हम कुकर का जो ढक्कन है उसे बंद कर देंगे अच्छी तरह से पहले मिला लेंगे कुकर का ढक्कन बंद करके इसे हमें सीटी लेनी है तो तकरीबन आप पाँच से छः सीटी ले लें इसमें बहुत अच्छी तरह से हमारा मटन जो है वो गल जाएगा इनकेस आपको लगता है कि मटन नहीं गला है तो फिर आप इसकी दो तीन सीटी और ले लें यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर सीटी लेने रख दिया है चलिए तब तक हम इसका मसाला बना लेते हैं तो यहाँ पे दो चम्मच असली घी मैं ले रही हूँ घी से इसे बनाइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा फ्लेवर बहुत अच्छा रिलीज़ होता है कुछ मसाले देख लीजिए वन टी जीरा छः से सात मैंने यहाँ पर काली मिर्ची ली है सिनेमन स्टिक लिया है और पाँच से छः मैंने लवंग लिए हैं ये जो खड़े मसाले हैं इसे हमें सबसे पहले डालना है फ्लेम जो है हमारा मीडियम रखेंगे हम दो से तीन हरी मिर्चियाँ डालेंगे हरी मिर्ची हमने boiling के समय भी डाली थी तो उस हिसाब से आप हरी मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली अच्छी तरह से जो ज़ीरा है और जो भी खड़े मसाले हैं उसे हमें पहले अच्छे से फ्राई करना है भून लेना है दो मिनट के बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक बड़ा onion इसी तरह से स्लाइस करके तो आप देख सकते हैं मैंने इसे इस तरह से लंबा लंबा स्लाइस किया है तो इसे हमें गोल्डन ब्राउन करना है मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक हम फ्राई करते रहेंगे प्याज को जब तक कि इसका कलर कम्प्लीटली चेंज ना हो जाए और अच्छा सा एक ब्राउन कलर ना मिल जाए इस तरह का आप देख सकते हैं बस इसी तरह का हमें कलर चाहिए था खुशबू जो है असली घी की और सारे मसालों की बहुत अच्छी आना स्टार्ट अभी से हो जाएगी अब इसमें हम डालेंगे दो चम्मच आटा ये नॉर्मल गेहूं का आटा है इसे हमें डालना है और अच्छी तरह से भूनना है एक दो मिनट तक आप भून लें ताकि जो आटे का कच्चापन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आटे से रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए और यहाँ देखिए हमारा जो मटन है वो भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है तकरीबन छः सात सीटी लगी थी और बहुत अच्छी तरह से ये गल गया है जो भी साइड का जो कॉर्नर्स पे जो मसाले चिपके हुए हैं वो भी हम ले लेंगे और ये देखिए जो यखनी है हमारी बहुत शानदार बनी है ये यखनी को हमें हमारे मसाले में डाल देना है और अच्छी तरह से इसे सबसे पहले हम मिक्स करेंगे क्योंकि हमने इसमें आटा भुना है तो ज़रा आप चम्मच को चलाते रहे ताकि आटे की जो गुटलियाँ ना बन जाए तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करते रहेंगे हम फ्लेम हाई रखेंगे और इसे मिक्स करेंगे कम्प्लीटली अब यहाँ पे हमें पानी डालना है तो मैं यहाँ पे एक कप जितना पानी डाल रही हूँ ये जो खुरदी बनती है थोड़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी की ही होती है लेकिन अगर आपको ज़्यादा पतला खाना पसंद है तो फिर आप इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दें लेकिन एक कप पानी यहाँ पे सफिशिएंट है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम ताकि जो आटा है और जो मटन है जो मसाले हैं, वो सब एक साथ एक सब में मिक्स हो जाए कोई भी ऐसे अलग अलग ना रहे तीन चम्मच यहाँ पे मैं दूध डाल रही हूँ ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है और दूध को भी चम्मच चलाते हुए हर जगह से हमें इसे मिक्स कर देना है इसी तरह से फ्लेम हमारा हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर हमें इसे अच्छी तरह से उकालना है उबालना है जोश आ जाए अच्छे से इसके अंदर तीन चार मिनट लगेंगे और उसके बाद हम डालेंगे एक हैंडफुल ऑफ पुदीना पुदीना डालने से जो खुशबू है फ्लेवर है टेस्ट है बहुत अच्छा आ जा स्टार्ट हो जाएगा तो पुदीना बिल्कुल आप डालें और बहुत अच्छा फ्लेवर आपको मिलेगा इसे भी हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से अब नमक जो है मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ बिल्कुल आप ध्यान से नमक डालें क्योंकि हमने बॉयलिंग के टाइम पर भी एक चम्मच नमक डाला था तो ऐसा ना हो जाए कि खारा हो जाए तो नमक बिल्कुल ध्यान से आप इस टाइम पर चेक करें और फिर डालें ये देखिए हमारी जो खुरदी है बहुत अच्छे से तैयार है चार पाँच मिनट तक मैंने इसे बॉयल कर दिया है तो चलिए अब इसे हम प्लेटिंग करते हैं तो जब तक मैं इसको सर्व कर रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मेरे वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी बहुत शानदार और बहुत लजीज बन के ये तैयार होती है इसे हम जनरली येलो खिचड़ी के साथ सर्व करते हैं तो येलो खिचड़ी मैंने बना ली है साइड में और इस तरह से इसकी प्लेटिंग कर ले आप बहुत ही ज़बरदस्त ये बन तैयार होता है ये देखिए तो देखा आपने फ्रेंड्स मैंने एक ही वीडियो में आपको खारास मिठास मेन कोर्स सभी चीज़ बता दी आई होप आपको मेरी ये मेहनत और ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और मुझे बताइए कि आपको और किस तरह के वीडियोस मेरे चैनल पे देखने हैं जो मैंने सीरीज़ लाई है बोरा थाल की क्या आपको वो पसंद आई है और आप किस तरह की सीरीज़ और देखना चाहेंगे ये सारी चीज़ें मुझे आप कमेंट करके बताइए मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में टिल देन ईट हेल्दी एंड ईट होम मेड फूड